भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। साथ साथ एक ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और गवर्नर हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाएगा, उसमें मुख्य मांग हमारी है कि जो सरकार पिछले 2.5 साल से ये जो हिमाचल की सरकार है जयराम के नेतृत्व में, उन्होंने जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट इसमें तय किया है कि बल्ह के अंदर जो है एयरपोर्ट बनाया जाएगा, उस एयरपोर्ट का हम जो है घोर जो है वो क्या बोलते हैं उनकी निंदा करते हैं कि उन्होंने बिना किसानों को पूछे और बिना किसानों से बात किए जो है वो एयरपोर्ट बनाने का सपना सूझ दिया। उन्हें मालूम होना चाहिए, वो किसान के बेटे हैं, कि बल्ह का किसान आज पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो है वो नकदी फसलें उगाता है, और आज जो है आज वो जो किसान है वो टमाटर से लेकर दूसरी सब्जियां जो उगाता है और उससे जो है वो 3-4 लाख रुपये भी गज कमा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो सरकार है वो बिना किसानों से बात किए एक तरफा फैसला करने जा रही है, जिसके विरोध में आज हम जो है वो रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। उसके अलावा ये जो इलाका है ये 2448 में हमारे किसानों ने बड़े संघर्ष के बाद जो है वो प्राप्त किया था, आज उस 2448 के इलाके को जो जमीन हमारे किसानों को मिली थी उसके छीनने की कोशिश जो है वो जयराम सरकार करने जा रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि आज किसान जो है वो अपनी फसलें उगाकर अपने रोजगार पैदा कर रहा है, बच्चों को जो है उनको पढ़ा लिखा रहा है, इसके जमीन के कारण आज इस जमीन को वो जो है वो लेने के फिराक में है। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे और ये मांग करते हैं कि यहाँ पर जो है वो एयरपोर्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, इसको कहीं बंजर जमीन पे यहाँ से कहीं और जगह जो है बनाया जाए। धन्यवाद। आप पिछले लंबे समय से लगातार मांग कर रहे हैं 2018 को यहाँ नहीं बनाया जाए, लेकिन फिर भी जो प्रक्रिया है वो उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और अब आगे का रुख क्या रहेगा इसमें? जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है वो इतनी है कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे ने ये सरकार को कहा है कि इस जगह पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बन सकता, इसमें डोमेस्टिक अड्डा बनेगा, यानी कि 72 सीटर आएगा जैसा भुंतर का एयरपोर्ट है, और अगर आपने बड़ा एयरपोर्ट बनाना है तो आपको बंदरी धार काटना पड़ेगी। मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है ये हिमाचल सरकार को, जब बड़ी बड़ी जो सर्वे करके कर कंपनी आई है उसने इनकार कर दिया है, फिर भी जयराम जी है वो अपनी जिद पे क्यों उड़ा है, क्यों किसानों को बल्कि किसानों को जानना चाह रहा है और लगातार एक तरफा कर रहा है। हमने कितनी बार टाइम लिया, हमने MLA जो हमारे इंदिर गांधी है उनसे भी बात की, उन्होंने भी कहा कि आप हमारे को मिलाओ, उन्होंने भी मिलाया। उसके बाद हमने विनोद से बात की जो नाचड़ के विधायक है, उन्होंने भी अभी तक नहीं की, हालांकि हमें अपोजिशन के जो MLA है उनसे भी बात की, माननीय प्रकाश चौधरी से, ये भी उप मुख्यमंत्री से मिलाए, इस जमीन को बचाने में हमारी मदद करे, पर अभी कोई प्रयास नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी जो है वो किसानों के साथ नहीं आ रहा है। राजनीतिक तौर पे अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन बल्ह के किसानों का दर्द कोई नहीं छोड़ने जा रहा है। इसलिए इसके अंदर सब किसान इकट्ठे हैं, 8 गांव के किसान इकट्ठे हैं, और वो एक आवाज है उनकी कि इसको जो है कहीं और पे बनाया जाए। अगर वो नहीं बनाते हैं तो आने वाले दिनों में जो हमारी बल्ह बचाओ संघर्ष समिति है वो फैसला करेगी कि हम इस जो संघर्ष को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से और लंबा करेंगे। अभी तक हम अब नहीं चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मंडी से है कि उनके खिलाफ कोई बात प्रदेश में जाए, लेकिन वो जिस तरह का अड़ियल रवैया उन्होंने अपनाया है उस अड़ियल रवैये को के खिलाफ जो है हम आगे बढ़े, जो संघर्ष है उसके बारे में अपनी रूपरेखा इसके बाद बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ये बोला पंचायत में जो वार्ड मेंबर प्रधान प्रधान सब आए हुए गुलाम सुन, गुलाम सुन, एक मिनट चुप जा, एक मिनट चुप जा, इधर बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति जून 2018 से अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। सर्वप्रथम हमने एक रैली मंडी की थी जो हमारी बहुत सफल हुई, उसके पश्चात हमने एक रैली SDM बल्ह में की, ऑफिस में गए और वहाँ की हमने, और दूसरी तीसरी रैली हमने SDM सुंदरनगर को
ज्ञापन देकर के की। बड़े दुख की बात है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे गृह जिला से हैं और हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। बल का किसान, जैसा कि साथी वालिया जी ने कहा, जमीनें कैसे हासिल की गई, हमारे बुजुर्गों ने कैसे उसके ऊपर अपना हल चलाया, जीविका चलाई, अनपढ़ता थी, आज बच्चे नौजवान हो गए, पढ़ लिख गए, सरकार के पास नौकरी नहीं है, फिर भी बल का जो नौजवान है एक लग्जरी लाइफ जी रहा है। कई बार हमने मिलने के लिए भी समय मांगा मुख्यमंत्री से, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया, और उसमें ऐसा लगता है कि जो कुछ अधिकारी हैं उनके ऑफिस में या हमारे जिला में या उपमंडल स्तर पर हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं। और मेरी जो CIT के हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि उनको एक जो सच्ची रिपोर्ट है उसको पेश करें, नहीं तो आने वाला समय सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, और ये जो संघर्ष समिति है अपना किसी भी तरह का कोई भी फैसला ले सकती है। हमें थोड़ा मत आंके, हमें थोड़ा मत आंके, क्योंकि अभी ये जो समय है ये एक सीजन का समय है। हमारा किसान, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग खेतों में डटे हैं, लेकिन हमने वहां से जो जरूरी हुआ उनको हमने कॉल की कि आप यहां हाजिर हो। टमाटर का सीजन जो है तैयारी पर है, दूसरी जो गर्मियों की सब्जियां हैं, नकदी सब्जियां हैं, उनको भी बीजने का समय आ गया है। जो सब्जी हमने लगाई थी उसको काटने का समय है, और हम चाहते हैं कि जो हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डे को ऐसी जगह बनाया जाए जहां बंजर जमीन हो, सरकारी जमीन। या तो रख सा अभिमान, या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।